हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड के बारे में, जो कि इंडियन ओवरसीज बैंक का है, IOB का। ठीक है, ये देख लीजिए। आज हम इसी की लिमिट के बारे में जानेंगे, इसी के विड्रॉल कितना कर सकते हैं एक दिन में जानेंगे, कितना क्या क्या इसका फ़ायदा है, यही सब जानेंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके का होता है रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड IOB का। ये इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है। ठीक है, यानी कि आप इसे अपने इंडिया में यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इसके इशू चार्जेस की। तो ₹150 प्लस 18% GST लगता है जब आप ये कार्ड लेते हैं। ठीक है, अगर ये कार्ड आपको पसंद है तो आप अपने ब्रांच में संपर्क करके ले सकते हैं, और ये आप किसी भी अकाउंट पे ले सकते हैं, या तो आपका CC अकाउंट हो, या तो आपका OD अकाउंट हो, या तो आपका सेविंग अकाउंट हो। ठीक है, तो आप उस अकाउंट पे ये कार्ड ले सकते हैं। और जो मैं GST की बात कर रहा हूँ, वो इसमें एक अच्छी बात है कि जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस में है, इसमें फर्स्ट ईयर का आपका GST नहीं जुड़ता है, वो सेकेंड ईयर से GST आपको इसमें देना पड़ता है, यानी कि वो आपके खाते से डेबिट हो जाता है। तो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है, इसका साल भर का चार्ज, वो ₹150 प्लस 18% GST है। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिएगा कि कितना इसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज टोटल हो गया। वो हर साल आपके खाते से डेबिट हो जाएगा, आपको कैश नहीं देना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डेली विड्रॉल की, यानी कि निकासी की। तो आप इससे ₹30,000 तक डेली निकाल सकते हैं IOB के इस ATM कार्ड से। ठीक है, और ये इंटरनेशनल लेवल का कार्ड होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो आप इसे आउट ऑफ कंट्री भी यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो 30K यानी कि ₹30,000 हम इससे डेली विड्रॉल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके डेली ई-कॉम शॉपिंग की ऑनलाइन। तो आप ₹75,000 तक इससे डेली शॉपिंग कर पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप किसी साइट से अगर शॉपिंग करते हैं, या अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, जिससे भी आप साइट करते हैं, तो आपको इस कार्ड का यूज़ करना है। तो आप उससे ₹75,000 तक अपना शॉपिंग ऑनलाइन तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग कार्ड का प्रयोग करके ही शॉपिंग करते हैं और उस कार्ड के थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी पॉइंट ऑफ सेल की, जो कि हम मर्चेंट पर करते हैं। तो ₹75,000 तक आप इसमें मर्चेंट कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल कर सकते हैं, यानी कि ई-कॉम ट्रांजेक्शन जो होता है वो भी आप ₹75,000 तक कर सकते हैं, और पॉइंट ऑफ सेल वो भी आप ₹75,000 तक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके रिप्लेसमेंट चार्जेस की। रिप्लेसमेंट की बात मैं करूं तो, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस कार्ड पे चिप होता है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अगर ये कार्ड का चिप टूट जाता है, या कार्ड घिस जाता है, या कार्ड जल जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आपको उस सिचुएशन में फिर से कार्ड लेने के लिए ₹150 प्लस GST आपको देना पड़ता है अपने बैंक को, तभी आपका वो कार्ड रीइशू होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं कार्ड रिप्लेसमेंट। अब बात कर लेते हैं पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की। तो इस कार्ड पे आपको 2,00,000 का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये कार्ड पसंद आया होगा तो आप अपने ब्रांच में संपर्क करके ले सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लास्ट वाला काम तो जरूर करना। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाय।